फजल रहमान और नून के मुकाबले में तहरीक इंसाफ भी किसी इस्लामिक ग्रुप से इताद कर सकती है मुस्तकबिल करीब में इलेक्शन के लिए, लेकिन नए इलेक्शन में तहरीक इंसाफ भी, मैंने तो टीएलपी वालों से ख्वाहिश का इजहार किया था कि आप इमरान खान से मिलें अगले इलेक्शन में। अच्छा अपनी सीटें बताएं, अच्छा अपनी सीटें बताएं। सैनेट इलेक्शन होया, बक्से भर के साडे को लाए जी, सानू वोट दो, असि तुहानू सीटां भी देंगे, एडजस्टमेंट भी करेंगे तुहाडे नाल सारा कुछ। मैं कहा यार तुसी लेट आयो, कहते आपकी किसी से पहले अच्छी डील हो चुकी। मैं कहा हां जी, कहने लगा वो कैसे, मैंने कहा हमारे कायद हमारा सौदा बाजार मुस्तफा में डाले। आप इमरान खान से मिले अगले इलेक्शन में, अच्छा अपनी सीटें बताएं। हमसे कहा जाता है कि जी आप सियासी तौर पर नाबालिग हैं, मैंने कहा कैसे जी, कहने लगे जी आपको पता ही नहीं एडजस्टमेंट किसको कहते हैं, लेन देन किसको कहते हैं, ऊपर नीचे अंडर द टेबल कैसे बातें की जाती है। मैंने कहा हम नजरिया काबिले फरोख्त रखते ही नहीं है। अच्छा अपनी सीटें बताएं। अगर सीटों की बात हो तो कब के ले चुके होते, पैसों की बात हो कब के ले चुके होते, गाड़ियों की बात हो जनाब, मुरब्बो और जमीनों की बात हो कब तक ले चुके होते। कि फजल रहमान और नून के मुकाबले में तहरीक इंसाफ भी किसी इस्लामिक ग्रुप से इताद कर सकते। अगर जो वो बंदे खुद मांग कर हम पर पर्चे देते रहे कोई बात नहीं, ऐसा भी चलता है, ऐसे भी दौर आते रहते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें याद हो कि ना याद हो, हमें याद है। हाँ ये सारी बातें हमारे दिल पर नक्श है, कर लो जो जुल्म कर सकते हो कर लो, जो कर सकते हो कर लो। अच्छा अपनी सीटें बताएं। जी आपको हम थकाएंगे, कितना थकेंगे, कहां तक जाएंगे, हम आपको थका लेंगे, फिर आखिर आपको हमारे साथ बैठना पड़ जाएगा। मैंने कहा चलो असी 313 ये बदर जाके नहीं थकते, असी बहुत जाके नहीं थकते, असी खंदक जाके नहीं थकते, असी 72 दे के करबला च नहीं थकते, असी 8 मोड़े दे चुके फैजाबाद नहीं थकते, मुड़ जाके फैजाबाद बह जाने 50,000 शैल बरसा लो गोलियां बरसा लो असी नहीं थकते। फजल रहमान और नून के मुकाबले में तहरीक इंसाफ भी किसी इस्लामिक ग्रुप से इताद